स्टार्टिंग प्रिविलेज का प्राइस है, तो प्राइस आपको इसका जो मिलता है ऑन रोड प्राइस सिलीगुड़ी में, आपको जो सिलीगुड़ी प्राइस मिलता है आपको 83,000 के अराउंड आपको पड़ेगा ये। तो चलिए इसका वकारण लेते हैं एक बार। सबसे पहले आपको यहाँ पर हेलोजन बल्ब मिल जाते हैं आपको, उसके जो हेडलाइट्स है आपको, टर्न इंडिकेटर आपको हेलोजन मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको होंडा का वेल्डिंग किया हुआ, यहाँ पर आपको नंबर प्लेट मिलता है, यहाँ पे क्रोम का ट्रीटमेंट किया हुआ काफ़ी अच्छा, और ये डिज़ाइन थोड़ा चेंज किया गया इसमें पैडिंग पे, और ये इसका मड गार्ड मेटल का, और ये इसका 12 इंच के व्हील फ्रंट के जो कि कॉम्बी ब्रेक के साथ आते हैं, ड्रम ब्रेक से ये। और यहाँ आपको टेस्ट के हिसाब से मिलते हैं आपको इसमें, जो कि एक्टिव में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं आपको। और जो कि मॉडल ये आपको मिलता है एक्टिवा 6G स्टैंडर्ड मॉडल, बेस मॉडल है ये एक्टिवा का। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आया था आपको वही नॉर्मल एनालॉग वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है आपको इसमें। इस बार मुझे लगता है कि एक्टिवा को चेंज कर देना चाहिए था होंडा की तरफ से, इसमें आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देना चाहिए। आपको स्पीडोमीटर मिलता है, आपको रेंज दिखाता है, और ये आपको फ्यूल लेवल दिखाता है यहाँ पे। और इस साइड आपको जो स्विच मिलते हैं आपको लो बीम हाई बीम मिलता है आपको इसी में, और पास का बटन भी आपको इसी में मिल जाता है। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं आपको, यहाँ पे आपको हॉर्न मिल जाता है, और इस साइड पे आपको हिल स्विच मिल जाता है, इसी में आपको सेल्फ भी मिल जाएगा इंटीग्रेटेड है। और ये इसके वेरिएंट्स जो कि सिंपल डिज़ाइन है काफ़ी, और यहाँ पर ब्लैक पैडिंग यूज़ किया गया है इस साइड पर। और ये इसका फ्लोर बोर्ड काफ़ी बड़ा फ्लोर बोर्ड है, इसमें सामान आप आराम से रख सकते हैं और पैर भी आराम से आ जाएगा। ये इसका हुक, और सीट का बात करें काफ़ी कंफर्टेबल सीट है इसके, ड्राइवर के लिए और प्लेन के लिए भी। आपको पता है एक्टिवा का जो नाम है उसके कंफर्ट के लिए ही जाना जाता है मेनली। यहाँ पे आपको एक्टिवा का बैजिंग किया हुआ है 6G, एक्टिवा 6G, नीचे में BS6 का बैजिंग किया हुआ है, जिससे आपको ESP टेक्नोलॉजी मिलता है इसके इंजन पर। और उसका सीट का कैपेसिटी देख लेते हैं, तो उसका वो काफ़ी अच्छा खासा साइज मिलता है आपको सीट का, जिसमें आप आराम से छोटे साइज का हेलमेट आप रख सकते हैं, और उसमें बड़ा साइज का हेलमेट नहीं आएगा, फुल साइज हेलमेट नहीं आएगा आपको। और उसका जो फ्यूल लीड आपको आउटसाइड में मिलता है, यहाँ पे दबाएंगे आपको इस साइड में मिलता है फ्यूल लीड इसका पीछे की तरफ, जो कि काफ़ी अच्छा हो गया है, आपको काफ़ी इजी कर देता है ये फ्यूल भरने के लिए। और उसका टेल लाइट आप दे सकते हैं, बल्ब वाला टेल लाइट है आपको, पूरा हेलोजन बल्ब मिलता है आपको। और यह इसका पीछे का टैंक जो कि 10 इंच का आता है, पीछे में भी 12 इंच का व्हील दे देना चाहिए था होंडा को। और यहाँ पे आपको जो सस्पेंशन मिलता है आपको 3-way एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलते हैं, पीछे में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं आपको, और स्टील व्हील्स आपको पूरा ही मिलेगा आपको इसमें। और इंजन का बात करें जैसे आपको 109cc का इंजन मिलता है आपको इसमें पहली बात तो, और पावर आपको 7.68 BHP का पावर मिलता है आपको इसमें, और जो टॉर्क है आपको 8.79 Nm का टॉर्क मिलता है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी का बात करें जैसे आपको 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक का कैपेसिटी मिलता है। और इसका जो माइल्स का क्लेम का बात करता है कंपनी, आपको 50 किलोमीटर का माइल्स का बात करता है कंपनी। तो बात करें आपको ये गाड़ी लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको ये गाड़ी जरूर लेना चाहिए अगर आपका प्राइस 83,000 या फिर 85,000 का आराम है आपका, तो ये गाड़ी आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि ये कंफर्टेबल काफ़ी गाड़ी है, इसे हर तरह के लोग चला सकते हैं काफ़ी इजीली। और ये गाड़ी काफ़ी फेमस है इंडियन मार्केट में, आपको उसको जो रीसेल वैल्यू मिलेगा आफ्टर परचेज के बाद, आपको काफ़ी अच्छा इसका रीसेल वैल्यू मिल जाएगा। तो अगर आपको ये गाड़ी देखना है तो आप शोरूम में जरूर आकर विजिट करिएगा, शोरूम के साइड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप सिलीगुड़ी से हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अब तक के मिलता है आपको, अब तक के मैं गुड बाय कहता हूँ, आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। We'll be right back.